हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अरुणा गौतम। मैं हूँ अरुणा और फ्रेंड्स आज मैं बनाने वाली हूँ करौंदे का बहुत ही बढ़िया सा अचार। तो यहाँ पर 250 ग्राम करौंदे लिए हैं मैंने, जिनको कि अच्छे से वॉश करके और सुखा के लिया है मैंने। और इस तरह से बीच में से कट लगा लूँगी मैं इसमें, और बीज भी निकाल रही हूँ मैं इसमें से। तो ये ऑप्शनल है, आप बीज बिना बीज निकाले भी इनको कट करके बना सकते हैं। तो सारे करौंदों को मैं कट कर लूँगी इस तरह से, पर ये ध्यान रखिए कि बीच में कोई भी ख़राब करौंदा नहीं होना चाहिए, वरना आपका अचार ख़राब हो सकता है। तो ध्यान से देखकर फिर आप करौंदे काटिए। तो यहाँ पर करौंदे सारे काट लिए हैं मैंने, और अब मैं इनको 1 घंटा धूप में सुखा दूँगी ताकि इसमें से सारा मॉइस्चर जो है वो चला जाए। और अगर धूप नहीं आ रही है तो आप पंखे के नीचे भी इसे 1 घंटा सुखा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं, सौंफ ली है मैंने, राई ली है, थोड़ा जीरा और अजवाइन लिया है, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और साथ ही में धनिया भी लिया है मैंने यहाँ पर। तो अचार बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और उसके अंदर जो भी सूखे मसाले हैं उनको मैं एक बार भून लूँगी ताकि इसमें से सारा मॉइस्चर निकल जाए। तो 3 से 4 मिनट तक हम इसे ऐसे ही भून लेंगे और उसके बाद हम इसे दरदरा पीस लेंगे। बहुत ही टेस्टी अचार बनता है करौंदे का, और बरसात के टाइम में अच्छा ये वाला जो करौंदा है ये खूब मात्रा में मिलता है। तो चलाते हुए हम इसे भून लेंगे मसाले को। और मसाला हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट भून चुका है, और इसको हम अलग से प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो मैं इसे थोड़ा दरदरा ही पीसूंगी, बहुत महीन नहीं पीसूंगी। और सेम ही पैन में मैं 4 चम्मच सरसों का तेल ले रही हूँ। तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे और उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो तेल अच्छे से गरम हो चुका है, फ्लेम भी ऑफ कर दी है मैंने। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी हींग और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जो मसाला हमने पीस के रखा है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल में इन सब मसालों को हम। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, तो नमक डालने के बाद भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जो करौंदे हैं वो सूख चुके हैं अच्छे तरीके से, तो अब करौंदे भी मैं इसी मिक्सचर में डाल रही हूँ, इसी मसाले में डाल रही हूँ, और अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो मसाला है वो पूरे करौंदों में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए हमारा करौंदे का अचार तैयार हो गया है। बस अब हम इसे धूप दिखाएंगे 2 से 3 दिन। और अगर आपको लगता है कि इसमें तेल कम है तो आप गरम करके तेल को अच्छे से और उसके बाद ठंडा करके जार में डाल सकते हैं। और इसे अब हम एक साफ सुथरी कांच की शीशी में भर के धूप दिखाने रख देंगे। तो ध्यान रखिए कि जो जिस बर्नी में आप अचार डाल रहे हैं उसमें एक बूंद भी पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल धूप में सूखी हुई होनी चाहिए वो शीशी, नहीं तो आपका अचार ख़राब हो सकता है। और 2 से 3 दिन तक अब मैं इस अचार को धूप दिखाने रख दूंगी और उसके बाद ही हम अचार हमारा बिल्कुल खाने के लिए तैयार है, रेडी है। तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी अचार हमारा ये बनके तैयार हुआ है करौंदे का। और अगर आपको लगता है कि इसमें ऑयल की कमी है तो आप इसके ऊपर भी ऑयल डाल सकते हैं। तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिए करौंदे का खट्टा खट्टा अचार, बहुत ही यम्मी बनता है। थैंक यू गाइज, बाय बाय।